नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। 19 नवंबर झांसी बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर स्वामी हिंदू सत्यनाथ अपने हजारों बुंदेलखंड राज के समर्थकों सहित करेंगे पृथक राज्य बुंदेलखंड की मांग को लेकर अपने साथियों सहित ज्ञापन सौंपेंगे। पृथक राज्य के बिना बुंदेलखंड का विकास संभव नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रथम राज्य के समर्थक उसी पार्टी को वोट देंगे जो बुंदेलखंड राज की मांग को पूरा करेगा। खनिज संपदा से भरपूर भगवान राम की तपोस्थली, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, प्राकृतिक संपदा से भरपूर बुंदेलखंड राज का निर्माण होना आवश्यक है। मोदी जी झांसी में आ रहे हैं, आपकी क्या योजना है? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बुंदेलखंड की भूमि पर स्वागत करता हूं। मोदी जी से आग्रह करता हूं कि पृथक राज्य बनाकर यहां पर जो समस्या पलायन, बेरोजगारी और संसाधनों की है, आज तक आजादी से आज तक यहां विकास नहीं हुआ है, इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आप बुंदेलखंड पृथक राज्य की हमारी जो मांग है उसे पूर्ण करें, हमारे अधूरे सपन को पूर्ण करें। आपने 2014 में और सुश्री उमा भारती जी ने बोला था कि पृथक राज्य 3 साल के अंदर बन जाएगा, लेकिन आज 7 साल हो गए हैं, पृथक राज्य नहीं बना है। हम लोग बड़े परेशान हैं, यहां पर समस्या है कि अगर बुंदेलखंड की कहानी हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इतनी समस्या है। तो हमारा और समस्त बुंदेलखंड वासियों का यही आग्रह है कि 19 नवंबर को आप पृथक राज बुंदेलखंड की घोषणा करें, हम लोग सदा आभारी रहेंगे। पूरे भारत वर्ष में आपकी जय जयकार होगी और आपकी पार्टी फलेगी फूलेगी। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।